मेरा नाम डॉक्टर हरमीत सिंह है। मैंने अपनी MBBS और MD की पढ़ाई PGIMS रोहतक से पूरी की है। मेरी जो PG की ट्रेनिंग है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, वो 2003 में पूरी हुई थी, जिसके बाद से लगभग 19 साल का एक्सपीरियंस है मुझे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में। मैं काइनोस में एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। कैंसर के मरीजों का इलाज 3 पद्धतियों से किया जाता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। सर्जरी जिसमें कि ऑपरेशन करके ट्यूमर को निकाला जाता है, रेडिएशन जिसमें किरणों के द्वारा कैंसर का इलाज किया जाता है, और कीमोथेरेपी जो कि नसों में दवाइयों या गोलियों से ट्यूमर का इलाज किया जाता है। लगभग 50% कैंसर के मरीजों को किसी ना किसी स्टेज पे रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। काइनोस हॉस्पिटल में लगभग 4 साल पहले रेडिएशन की अत्याधुनिक मशीन लीनियर एक्सेलरेटर इंस्टॉल की गई थी। इस लीनियर एक्सेलरेटर मशीन के द्वारा हम फोकस्ड रेडिएशन करते हैं कैंसर की, जहाँ पे सिर्फ जहाँ कैंसर है उसी जगह पे रेडिएशन फोकस होती है, और जो आसपास का नॉर्मल इलाका है वहाँ ना के बराबर रेडिएशन जाती है। इससे फ़ायदा होता है कि रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम होते हैं। अब काइनोस हॉस्पिटल आयुष्मान भारत के पैनल पे है, जिसके तहत रेडिएशन थेरेपी का इलाज मुफ्त में किया जाता है कैंसर के पेशेंट्स का। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को कैंसर के कोई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि खाने में दिक्कत होना, सांस में तकलीफ होना, मुंह थूक में कभी खून आना, पेशाब में या मल में खून आना, ऐसी कोई भी तकलीफ आपको महसूस होती है, तो उसको इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिलके अपने डॉक्टर से सलाह लें और इसका तुरंत इलाज करवाएं।